नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सर्व सिद्धि टोटका बताने जा रही हूँ जो कौवे के पंख से किया जाता है और इसे बहुत लोगों ने किया भी है। और अब उसके जब लाभ मैं देख रही हूँ तो मुझे हुआ कि ये मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। पर उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट जरूर करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें। बहुत आसान है, करना क्या है, आपने मीठी फलियां ले लेनी है, फलियां, मीठी फलियां जो होती हैं जिनमें चीनी शब लगी होती है सफ़ेद, इन्हें लेकर आप एक ऐसी जगह पर जाएं जहां कौवे बहुत ज़्यादा आते हों। कौवे इंसेंस, क्योंकि ये कौवे का फेवरेट डिश है, आपने ये लेकर कौवों को डाल देना है। एक तरह से ये होगा कि कौवे की आपने सेवा की। 3 दिन आप उसे ये कौवों को ज़रूर खिलाएं। अब तीसरे दिन जब आप कौवों को खिला लें तो आपको जो भी कौवे के आसपास गिरा हुआ पंख मिले कौवे का, आप उसे वो ले आएं। इतना काम करने के बाद आपने इस कौवे के पंख को घर में लाना है और अब इस पर आपने रोली होती है जो रेड, इससे इस कौवे के पंख के ऊपर, इस कौवे के पंख के ऊपर रोली से लिख देना है ओम नमो सर्व सिद्धि करू करू ओम नमो सर्व सिद्धि करू करू। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। अब इसे करने के बाद, इसे लिखने के बाद आपने इस कौवे के पंख के ऊपर थोड़ा सा शहद डाल देना है, 2 बूंद डाल दें और इसके ऊपर 9 दाने चावल के डाल देने हैं, 9 दाने चावल के डाल देने हैं। 2 बूंद शहद डाल दें, 9 दाने कौवे के डाल चावल के डाल दें और अब इसे एक छोटे से काले कपड़े में लपेट कर इसकी एक पोटली सी बना लें, छोटी सी, ये छोटी सी, इसको लपेट लें आप, इसको छोटी सी पोटली को, इसको आप संभाल के रख लें। अब आपका ऐसा कोई काम जो सिद्ध नहीं हो रहा, बहुत कोशिश के बाद भी आप जब उस काम को करने लगें तो इस छोटी पोटली को अपनी जेब में रख लें या अपने पास रख लें, अपने पर्स में रख लें, जहाँ मर्जी रखें, अपने साथ रखें मतलब। बस आपका ये छोटा सा एक टोटका आपको हर काम को सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आपको बहुत फ़ायदा देगा। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप लोगों से